हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेज लेआउट में आज अपन वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। यहां से वाटरमार्क क्या होता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो या आपने ऐसे नोट्स देखे होंगे जिनके पीछे की मतलब शब्दों के पीछे बैकग्राउंड में एक हल्की सी लाइंस लिखी हुई रहती है, या जैसे अगर आपके कोचिंग के नोट्स है तो कोचिंग का नाम लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे सिंपली यहां से अगर अपन इस प्रकार से जैसे मैंने पैराग्राफ टाइप कर लिया है और मैंने ये इतना बड़ा टाइप कर लिया है, जैसे अगर आप यहाँ पे इनके बैकग्राउंड में वाटरमार्क लेना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से डू नॉट कॉपी या इस प्रकार से वाटरमार्क ले सकते हो। जैसे डू नॉट कॉपी लिया, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, यहां से क्लिक किया और रिमूव किया तो ये वाटरमार्क हट जाएगा। अच्छा, इसी प्रक्रिया में आगे अगर अपने को और कुछ लेना है तो यहां से अपन कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करें। कस्टम वाटरमार्क की क्या करता है, आपको अलग से वाटरमार्क लिखने की परमिशन दे देता है। कैसे देता है, या आप पिक्चर भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिक्चर कैसे लगाते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये गैलरी के अंदर ले जाएगा, जो भी पिक्चर आपको लेना है उस पिक्चर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिस भी पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते हो वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने यहां से इस पिक्चर को इंसर्ट करवा लिया, जैसे ही दोस्तों अपन इसको अप्लाई कर देते हैं, ये बैकग्राउंड में देखो हल्के कलर में यहाँ पे आ जाती है। आ गई साहब। अच्छा सर, हटाना हो तो हटाना होगा तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अच्छा, यह अपन कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके नो वाटरमार्क अगर करके अप्लाई कर देते हैं तो भी ये हटता नहीं है, देख सकते हो आप, हटा नहीं हटा। अच्छा, हटेगा कहां से, जब आप इसको कैंसिल कर दोगे, नो वाटरमार्क करके भी आप इसको सिंपली हटा सकते हो। दोबारा बता देता हूं एक बार में, कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम ले लेता है अगर आपका लैपटॉप या पीसी स्लो है। जैसे वाटरमार्क ले लिया, अप्लाई कर दिया, आ गया, नो वाटरमार्क करके अप्लाई किया, हट जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये देखो, यहां से आगे चलते हैं अपन वाटरमार्क में। यहां से अपन ने लिया, यहां से क्लिक करके ले भी लिया, देखो थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, ये ले लिया, यहां से इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करते ही आ गया, इसको बंद कर दिया, अब अप्लाई किया, ये देखो थोड़ा डार्क में आ गया, ये अपन कर सकते हैं। यहां से 500 कर दिया, अप्लाई कर दिया, यहां ये देखो इसको थोड़ा मैंने कर दिया, अगर इसको अगर अपन 500 से स्केल को कम करते हैं तो सिंपली ये इमेज है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये अगर पिक्चर ले रखा है तो ही अपन यहां से इफेक्ट कर सकते हैं। देखो बड़ी हो गई है, अगर अपन इसको 100% रखते हैं तो ये 100% करके, जैसे ही अपन इसको दोस्तों अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं यहां से ये अप्लाई हो जाता है। ये देखो इस प्रकार से आ जाता है। नॉर्मली अपने को इसको ऑटो ही रखना है, जैसे ही ऑटो रखे करते हैं यह आ जाता है। यहां से अपन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, देखो टेक्स्ट और इमेज दोनों एक साथ आप नहीं लगा सकते, मैं ही बता देता हूं। यहां पे जैसे मैंने लिखा RSCIT, यहां पे जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ये RSCIT लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, ये देखो। अच्छा सर, इसका कलर चेंज करना हो तो कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपन कलर ले सकते हैं। अब जैसे ये अपन ने रेड कलर कर दिया, जब अपन इसका प्रिंट निकालेंगे और रंगीन प्रिंटर अगर अपने पास है तो ये वाटरमार्क आएगा और रंगीन कलर मतलब रेड कलर में ही आएगा। अच्छा सर, इसको अगर ओरिजेंटल कर देंगे तो आटा आने लग जाएगा, ये तो डायगोनल अपन कर सकते हैं, इसकी साइज को अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे 48 ये छोटी हो गई बहुत ही ज्यादा, ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर और बड़ा करना तो अपन 48 से ज्यादा दे देंगे, कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके यहाँ से अपन साइज को और ज्यादा बड़ा कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया 80 और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया 80। यहाँ से अपन इसके फॉन्ट स्टाइल जो है आप देखना ये चेंज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इफेक्ट कर सकते
हो। अगर हटाना है तो आपको पता है ही, नो वाटर मार्क करके अप्लाई कर देंगे, क्लोज करते ही हट जाता है, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ से, या आप चाहें तो रिमूव वाटर मार्क भी कर सकते हैं। ये हो गया वाटर मार्क देना। आगे आता है पेज कलर। पेज में कलर, पेज व्हाइट कलर का है, ये देखो अपन पेज कलर ले सकते हैं, नो कलर से हट जाएगा, जैसे ये कलर लिया हटाना है तो नो कलर कर देंगे। मोर कलर से कलर बनाने की मशीन है, जो अपन ने पेंटिंग में पढ़ा था कैसे काम करती है, सारा विवरण अपन ने पहले पढ़ लिया था कैसे क्या होता है। यहाँ से ओके करेंगे, ये पेज कलर आ जाता है, हटाना है तो नो कलर कर देंगे। यहां से फिल इफेक्ट में जाएंगे, ये भी अपन ने इनसेट के अंदर सेप्शन में पढ़ा था, यहाँ से टू लेयर वन लेयर में अपन कलर्स दे सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से कलर आते रहते हैं, यहाँ पे जो सैंपल बताया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये कलर आते रहते हैं। अभी ये वाला आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा, यहाँ से अपन इनका कलर चेंज कर करके पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे ये करके अगर ओके करेंगे तो ये जो सैंपल दिखा रखा है वही यहाँ पे आ जाता है, नो कलर से हट जाता है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर लेना चाहते हो, पेज कलर के रूप में पिक्चर लेना चाहते हो, तो आप पिक्चर भी दोस्तों यहाँ से ले सकते हो। अगर हटाना है इस पिक्चर को तो नो कलर कर देंगे, क्योंकि ये पेज कलर के रूप में आई हुई है। यहाँ पेज के बॉर्डर चारों तरफ जो आती है उसको बॉर्डर कहते हैं, वो यहाँ पे सैंपल दिखाएगा कि पेज में कैसे ये बॉर्डर आएगी। इस टाइप से बॉर्डर आएगी, इसमें ऊपर की साइड वाला हटा देगा, ये ऊपर जो है ये बॉर्डर नहीं आएगी, पेज में भी नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, लेफ्ट नहीं आएगी, राइट नहीं आएगी। तो मतलब अगर आपको जिधर का हटाना हो अगर बाय द वे तो आप हटा सकते हो। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ ये देखो आप कर सकते हो सारा इफेक्ट, कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ से इस प्रकार से आर्ट्स भी आप ले सकते हो, इनकी साइज को भी आप छोटा कर सकते हो। यहाँ से 3D वगैरह में शेडो वगैरह इफेक्ट आप डाल सकते हो, नॉन करके आप हटा भी सकते हो। जैसे ये वाला ले लिया, ये स्टाइल अच्छी लग रही है। इस प्रकार से पेज के चारों तरफ बॉर्डर भी आप ले सकते हो, इसको कहा जाता है पेज बॉर्डर। यहाँ से आगे वाले पेजों में नहीं लेना तो दिस सेक्शन ही यूज कर देंगे, तो इस सेक्शन में आ जाएगी, आगे वालों में नहीं आएगी। तो ये कई सारी बातें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।